लगातार 5 दिनों से उपोषण पर बैठे एकनाथ वायले और उनके परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। याद रहे कि अवैध बांधकाम पर कार्रवाई की मांग के लिए वायले परिवार बीते 5 दिनों से कल्याण के शिवाजी चौक में धरना दे रहा है। अंबरनाथ से सटे वासार गांव में एकनाथ वायले की जमीन पर वहां के स्थानीय भू माफियाओं ने अवैध कब्जा कर चालिया बनाकर घरों को किराए पर दिया या कुछ घरों को बेच दिया। जमीन मालिक एकनाथ वायले ने इस संदर्भ में प्रभाग क्षेत्र अधिकारी और स्थानीय पुलिस प्रशासन को कई बार शिकायत करने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। उपोषणकर्ता एकनाथ वायले ने प्रभाग अधिकारी शरद पाटिल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भू माफियाओं ने प्रभाग अधिकारी की मिलीभगत से ये अवैध बांधकाम किया है और जब तक मनपा प्रशासन मुझे न्याय नहीं देता तब तक मैं उपोषण पर बैठा रहूंगा। ये कहना है एकनाथ वायले का। जीवार्ता के लिए चंद्रकांत मोटे की रिपोर्ट। वसर गावात चालीचा बांधकाम चालू केलेला आहे आणि माझ्या सर्वे नंबर 109 111 यामध्ये चालींचा बांधकाम चालू केलेलं आहे आणि ग्रुप बांधकाम मी वारंवार केडमशीला अर्ज केले। आज 4 महिन्यापासून अर्ज करत आलेला आहे, त्याच्यावर काही कारवाई झालेली नाही। जागा कोणाच्या नावावर? जागा आमच्या वडिलांच्या नावावर। माझ्या जागेत बांधकाम करणाऱ्यांची नावं जे जे राम कृष्णा वायले, राजाराम कृष्णा वायले, रमेश कृष्णा वायले, शांताबाई रघुनाथ राणे आणि रघुनाथ राणे ही 5 जण अति गुंड आहे। याही तिथे दादागिरीत गुंडगिरीत बांधकाम केलेलं आहे। चालीचं बांधकाम चालू असताना तक्रारी दिल्या, आता ते चालीचं काम पूर्ण झाले तरी बीन ते तोडले नाही। आजचा उपोषणाचा 5वा दिवस आहे। महानगरपालिकेने आतापर्यंत मला न्याय दिलेला नाही। मला जिथपर्यंत न्याय भेटत नाही तिथपर्यंत मी उपोषण करणार। जो भी माझ्या मागण्या आहेत त्या पूर्ण होत नाही तिथपर्यंत मी उपोषणाला इथं बसणार। पुन्हा काही झाला त्याची जबाबदारी महानगरपालिका राहणार व वार्ड अधिकारी शरद पाटील राहणार।